इमरान खान को दफन करने का मंसूबा। लगता है पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है। अब यही बचा है कि पीटीआई में से कोई आए, क्लाशन कोफ ले और सबको गोली मार दे। बड़ी गेम हो रही है, पूरा माफिया बैठा है। फैसल वाउडा ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि पीटीआई के जो लोग हैं वो अपने लीडर के लिए मजीद कब्र खोद रहे हैं। ये चाहते हैं कि इमरान खान बंद रहें ताकि ये उसके फायदे उठाते रहें। फैसल वाउडा ने कहा कि ये जब चाहते हैं गले पड़ जाते हैं, जब चाहे पांव पड़ जाते हैं। अब तो कदमों में पड़ने का टाइम गुजर गया है, देर हो गई है। अपनी सियासत के लिए आप मुल्क तो नहीं तोड़ सकते। मुझे तो लगता है कि ये पीटीआई अब पाबंदी की तरफ जाएगी। यहाँ आपने मुल्क को तोड़ने की साजिश कर दी है। यहाँ आपने मुल्क के अंदर शहीदों के तमस्खर उड़ा दिए हैं। आपने आग लगा दी है। आपने वो काम किया है जो दुश्मन करता है और आप उस बयानिए को मजीद फरोग देते चले जा रहे हैं। फैसल वाउडा बोले कि तहरीक इंसाफ SIFC पर तस्वीरें लगाती है, फिर 71 की जंग में चली जाती है। अब मजीद और क्या रह गया? पीटीआई से कोई आए, क्लाशन कोफ ले और सबको गोली मार दे। आपने पहले कुल्हाड़ी मारी थी, अब आपने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार लिया है। फैसल वाउडा ने कहा कि ये सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं हैं, इस पीटीआई में पूरी गेम है। काली भेड़ों के अंदर आपको खास भी मिलेंगे, आम भी मिलेंगे, बहुत बड़े सितारे भी मिलेंगे। ये पूरा एक माफिया ऑपरेट कर रहा है, जो चोर, बेईमान और मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। आप पकड़ते जाएं, वो छोड़ते जाएंगे। एंड में करतूतों के तहत सभी अंदर जाएंगे।